सीहोर जिले के ग्राम दोराहा में काफी वर्ष पुरानी एक दरगाह है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। लोग इस दरगाह पर बहुत आस्था रखते हैं, जिसको लेकर दोनों समुदाय के लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे थे। एक समुदाय के लोग कह रहे थे कि दरगाह एक पवित्र स्थान है, यहाँ पर गंदगी ना फैले, जिसके लिए आसपास फेंसिंग करवाना जरूरी है। दूसरे समुदाय के लोग कह रहे थे यहाँ पर साफ सफाई की जाए, लेकिन फेंसिंग नहीं होना चाहिए। तभी दोराहा तहसीलदार अर्पित मेहता एवं थाना प्रभारी राजेश सिन्हा द्वारा तहसील परिसर में एक मीटिंग रखी गई, जिसमें गांव के वरिष्ठ लोगों को बुलाया गया एवं उम्र दराज लोगों को भी बुलाया गया, जिससे इस विषय की सही जानकारी मिल सके। दोनों समुदाय द्वारा अपने अपने तर्क रखे गए। आखिरी में दोनों पक्ष को सुनने के बाद दोनों अधिकारियों द्वारा बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया, जिससे दोनों समुदाय के लोग संतुष्ट भी हो गए एवं गाँव में शांति बनी रहे, ऐसा हल दोनों अधिकारियों के द्वारा निकाला गया। एक समुदाय के माध्यम से यह कहा गया कि फेसिंग नहीं होगी, उनकी बात भी मानी गई, फेसिंग नहीं की गई एवं दूसरे समुदाय से कहा गया कि साफ सफाई होना भी उचित है, हम स्वयं खड़े होकर आगे रहकर वहां की साफ सफाई करवाएंगे एवं ग्राम पंचायत को साफ सफाई के निर्देश भी दिए एवं वहां पर कचरा ना हो इसके लिए व्यवस्था करने के लिए भी ग्राम पंचायत को कहा गया। इस प्रकार दोनों समुदाय की बात को रखकर दोनों को संतुष्ट भी कर दिया गया और वहां जो वाहन खड़े होते थे उसके लिए भी मना किया गया है, इसको पार्किंग स्थल ना बनाया जाए क्योंकि यह एक धार्मिक स्थल है और यदि किसी प्रकार के कोई वाहन खड़े होते हैं तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इसके बाद वहां पर कोई भी कचरा या गंदगी करता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार अर्पित मेहता एवं थाना प्रभारी राजेश सिन्हा द्वारा जो शांति एवं आपसी भाईचारा बना रहे और जो दोराहा के ग्राम के लिए अच्छा कार्य किया, इससे सारे ग्रामीणों द्वारा उनका आभार व्यक्त किया गया।